कि आज भारत सरकार की वित्त मंत्री ने एक बहुत अच्छी घोषणा की है कि जो मजदूर गांव लौटे हैं उनको वहीं पर मनरेगा के लिए काम मिले, इसके लिए अलग से 40,000 करोड़ का जो प्रावधान किया, एक बहुत अच्छा संदेश उससे गया है। क्योंकि COVID-19 के खतरे को देखते हुए जहां पर ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है, जहां फैक्ट्रियां चल रही हैं, वहां तो मजदूर काम करेंगे, लेकिन जो मजदूर अपने गांव को लौटे हैं उनको मनरेगा के लिए पहले से फंड का एलोकेशन है, लेकिन 40,000 करोड़ एक्स्ट्रा पैसा उसमें देने का प्रावधान किया है, ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। देखिए, कांग्रेस COVID-19 पर भी राजनीति से बाज नहीं आ रही। कांग्रेस जिस तरह का व्यवहार कर रही, पहले ट्रेन के नाम पर, जो गुजरात में एक दो ट्रेन देकर और पंजाब में एक ट्रेन देकर हल्ला करती रही कि ये ट्रेन सोनिया जी ने दिया है, मजदूरों के साथ इस तरह का इमोशनल अत्याचार करती रही। जब ये तय हो गया कि राज्य सरकार जितना भी ट्रेन मांगेगी, भारत सरकार वो ट्रेन के लिए मना नहीं करेगी, ये बात साफ जग जाहिर है। अब प्रियंका जी 1,000 बस की अनुमति मांग रही और राहुल जी मजदूरों से मिलकर क्या संदेश देना चाहते, वो सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए काम न करें, इस COVID-19 के मुद्दे पर इकट्ठे और एकजुट होने की जरूरत है। मजदूरों की चिंता हम लोगों को भी है, जिस तरह मजदूरों का पलायन हुआ है, उनको जो कठिनाई हुई उससे हम सबका भी मन आहत है, लेकिन इसको फोटो अपॉर्चुनिटी बनाना, सिर्फ जाकर फोटो खिंचवाना, ये सही नहीं। COVID-19 का खतरा अभी भी बना हुआ है और पिछले 24 घंटे में जिस तरह बहुत सारे केसेस बढ़े हैं, करीब 5,000 के आसपास हैं, ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। इसलिए जो जहां हैं उनको वहां रहना चाहिए। जो लॉकडाउन है वो लोगों की जिंदगी बचाने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान सबको रखना होगा। अगर जिंदगी को बचाना है तो कम से कम इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी जिंदगी आप खुद बचा सकते हैं। और COVID-19 से लड़ने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, 2 गज की दूरी हो, और जो लोग इसका पालन नहीं कर रहे वो अपना नुकसान तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपने परिवार का, अपने गांव का और अपने देश का भी नुकसान कर रहे हैं।